हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज मंगलोर विधानसभा के टिकोरा गांव पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान सचिन पायलट ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और केंद्र में डबल इंजन की सरकार बताने वाले लोग आज हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं, जिससे महंगाई चरम सीमा पर है। युवा आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड की जनता अब राज्य में बदलाव चाहती है और इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, ताकि युवाओं का भविष्य बन सके। वहीं सचिन पायलट ने मंगलोर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। उत्तराखंड में बदलाव निश्चित है, भारी बहुमत से कांग्रेस इस उम्मीदवार जीतेंगे। हम लोगों ने जो वादे किए हैं कि गैस का सिलेंडर 500 से कम पे होगा, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, नौकरियां मिलेंगी। उत्तराखंड को पीछे धकेला गया है, बार बार मुख्यमंत्री बदलकर अपनी नाकामी को स्वीकार भाजपा ने किया है और इस प्रदेश के अंदर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाई अगर मुख्यमंत्री बदला है और बार बार बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस गवर्नेंस हुआ है। जो आपने वादे किए सब कागज पे रह गए हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव से पहले कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में ना किसान को उचित दाम मिला है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी ऐतिहासिक हो गई है। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा उत्तराखंड। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।